अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे किस तरह से आप शॉपिफाई स्टोर के अंदर अपना एक कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन से क्या मुराद है? नॉर्मली आपका जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से, मतलब एक सब डोमेन नज़र आ रहा होता है। हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के आपके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखें, अगर मैं अपने स्टोर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से डोमेन नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो डोमेन नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, helmboots.com। तो इस तरह से आप किस तरह से अपनी डोमेन जो है ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। बेसिकली आपको एक डोमेन बाय करनी पड़ेगी। डोमेन की प्राइस $9 से लेके $14 के दरमियान ऑलमोस्ट होती है। तो वो किस तरह से आप करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारे पास होम पेज है, सिंपल सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा डोमेन्स। तो सिंपल हम डायरेक्टली यहीं से भी बाय कर सकते हैं। हमारे पास क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे बाय डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डोमेन नेम सर्च करेंगे। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा बाय। और यहाँ पे देखें ये हमें बिलिंग पे ले आया। यहाँ पे मुझे एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा और उस कार्ड को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारी जो डोमेन है वो बाय हो जाएगी, राइट। एक तो तरीका ये है, आप यहीं से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे डोमेन बाय की हो, जैसे नेमचीप हो गया, गोडैडी हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, वहाँ से आपने डोमेन बाय की हो और आप उसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए तरीकाकार सिंपल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस डोमेन का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे ehsandanish.com और मैंने यहाँ पे इस तरह सर्च कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे सर्च करिए कनेक्टिंग योर डोमेन, टू कनेक्ट योर डोमेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन चेंज योर प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग्स। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें कंप्लीट डिटेल्स के अंदर हमें वो सेटिंग्स बताई गई हैं जो कि हमें ऐड करनी है अपनी डोमेन के अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेट्स से ये मेरी डोमेन है यहाँ पे, तो मैं इसको मैनेज करूँगा मैं। और यहाँ पे हमारे पास है DNS, राइट, और यहाँ पे हमारे पास है एडवांस DNS। तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर्स हैं ये, यहाँ पे फाइंड नेम सर्वर्स, स्टैंडर्ड नेम सर्वर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ता है, शॉपिफाई के नेम सर्वर्स यहाँ पे ऐड करने होंगे हमें। तो वो किस तरह से करेंगे, आप सिंपल आपने ये वीडियो देखनी और यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको अवेलेबल होंगे कंसीडरिंग। और यहाँ पे जो है उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको। लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं कनेक्ट विथ थर्ड पार्टी डोमेन टू शॉपिफाई मैनुअली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें हमें कंप्लीट जो है वो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये वाले IP ऐड करने, ये वाले आपकी WC नेम है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि आप अपने डोमेन की सेटिंग्स में जाएं, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करें। अब यहाँ पे जो है ये सी नेम और ये किस तरह से वेरीफाई करना है और इनको किस तरह से ऐड करना है अपने डोमेन के अंदर, तो आप एक स्टेप बैक जाएंगे तो सिंपल आपने ये वीडियो देखनी और ये आपको एग्जैक्टली वैसे ही बता देगा कि किस तरह से आपने कौन कौन सी चीज़ें इस डोमेन के अंदर, ये जो आपकी डोमेन है इसके नेम सर्वर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने चेंज करनी है और किस किस तरह से चेंज करनी है। तो नॉर्मली जो होता है वो यहाँ पे हमें अपने सी नेम, ए नेम्स और जो शॉपिफाई का IP है वो ऐड करना होता है अपनी डोमेन के अंदर। तो इस तरह से अगर कोई भी परेशानी आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट राइट नाउ मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये दोनों काम करेंगे और वहीं पे एक रिसोर्स भी अवेलेबल है जिसको मजीद फॉलो करके आप अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।